नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने एक और नया गैजेट लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पेंसिल इरेजर। और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गैजेट है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, इसके अनबॉक्सिंग भी करूँगा। तो सिंपली जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों ये रहा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं इस पैकेट से। तो फटाफट से मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा जो है वो प्रोडक्ट, सिंपली वो इरेजर। और साथ हम कुछ के अंदर फैन भी मिल जाता है, कुछ एक इरेजर एक्स्ट्रा इरेजर मिल जाती है। तो ये काम कैसे करता है सिंपली आज की वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा, तो वेट करते रहिए। मैं साइड रखता हूँ और इसको बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले तो पहले इसको हमें ऊपर अच्छा स्टेपल लगा, स्टेपल निकालता हूँ सबसे पहले। तो सिंपली मैं इसके यहाँ से ऊपर स्लाइड करता हूँ, ये बाहर आ जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों ये रहा कुछ हमारा प्रोडक्ट, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये चीज़ जो है हमारी जो है जो एक्चुअल जो काम करती है वो यही है, एक्चुअली इरेजर में जिसमें अंदर मोटर लगी है, सिंपली यही है। यहाँ पे आपकी इरेजर लगेगी जिसके अंदर सिंपली एक इरेजर पहले से मिली थी, इसमें लगी हुई जो शायद बाहर निकल गई होगी। और कुछ क्या एक्स्ट्रा इरेजर भी आपको यहाँ मिल जाती है। और साथ एक फ़ैन भी मिलता है, फैन मैं बाद बताऊँगा फैन कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगी। सिंपली ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नोटबुक लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ भी अपने पेंसिल से यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसे कुछ भी स्केच करता हूँ, देखिए यहाँ पर। और अब मैं इस सिंपली इसी रेजर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले सेल डालेंगे। सिर्फ सेल है नहीं अभी, तो मैं इसको बाहर खोलता हूँ पहले। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। सिंपली इसमें एक मोटर लगी हुई है बस, और कुछ नहीं है सिंपली। ये यहाँ लगे लगता है, बाहर आ गया यहाँ से, शायद इस तरीके से लगे, शायद इस तरीके से लगे गए। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और बस इसमें सेल डालेंगे। तो मेरे पास सेल यहाँ पर डबल ए बैटरीज यहाँ कुछ पड़ी हैं, सिंपली मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये लगे यहाँ पे बस। अब मुझे सिंपली जो है यहाँ पे इस चीज़ इसको दोबारा से वापस करके बंद करके देना है। तो ये बंद हो गया, सिंपली मैं इसको दोबारा से करके लगा देता हूँ। तो बस अब सिंपली काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों मैं सिंपली आपको इसको टेस्ट तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि जो है इस टाइम वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं शायद मेरी बैटरी ख़त्म है, पता नहीं शायद यही ख़राब डिफेक्टेड पीस आया है मेरे पास, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सिंपली मैं बता देता हूँ कि क्या करता है। जैसे आप इसको यहाँ बटन दबाएंगे, बाइट डालने के बाद सिंपली ये जो आगे पास इसका सिस्टम है ये यहाँ पर घूमने लग जाता है। अगर मैं फोकस करके दिखाऊँ तो यार फोकस हो जा, हाँ तो यहाँ पर ये चीज़ जो है घूमने लग जाती है और जो है यहाँ से आपकी इरेजर जो है मिटाने लग जाएगी। मतलब घूमते घूमते आप सिंपली इस तरीके से करना है और ये पूरा जो है इरेजर जो है आपको मिटाने लग जाएगी। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ मिलती है, यहाँ पे आपको एक फ़ैन मिल जाता है इसके अंदर और आप सिंपली इसको जो है एज अ फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने जो है इसके ऊपर लगाना है और सिंपली ये घूमने लग जाएगा, सिंपली इसको हवा देगा आपकी। या आप इसको डस्ट उड़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने इरेजर से रफ किया है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इसका यही काम है और इसका कोई काम नहीं है। बस आप जो काफ़ी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे आप कोई पेंटिंग या ड्राइंग कर रहे हैं तो उस जगह पे आप जब रिजर्व रफ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रब हो जाता है। लेकिन आप सिंपली इसकी मदद से रब करेंगे, सिंपली एक लाइन में जो आप एक्चुअली में जो आप रब करने आते हैं वही रिजर्व से जो है रब होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतनी ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।